गुड इवनिंग। आइसोमेरिज्म में बेटा हमने चेन आइसोमर्स के बारे में समझा था, उसके बाद हमने पोजीशन आइसोमर्स के बारे में समझा था, और एक हमने मेटामर्स देख लिए थे, मेटामेरिज्म जिसे हमने कहा था, और एल्केन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स हमने बनाना सीखा था। और हमने कहा था कि इतने आप याद कर लें, इसमें आपका एक होमवर्क था C7H16, right? तो C7H16 के अगर आप आइसोमर्स बनाने जाएंगे तो कैसे बनेंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे कि कार्बन को स्ट्रेट लाइन में हम लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला बन जाएगा। इसके बाद हम इसमें से, हाँ, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो हम कार्बन की चेन को 6 कार्बन का कर लेंगे। 6 कार्बन की हमारे पास चेन हो गई और एक कार्बन को हम सेकंड वाले कार्बन पे अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बहुत ध्यान रखना, यही चीज आपको ध्यान रखनी, फर्स्ट वाले पे नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले पे लगा दिया तो 7 कार्बन की चेन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से हमने 6 कार्बन की चेन ले ली और अब इस कार्बन को हमने शिफ्ट किया यहां पे, सेकंड से थर्ड कार्बन पे। क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, चेक कर लीजिए। हाँ, पहली बार जो आपका ब्रांच लगी हुई थी वो सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। चलिए अब अगर नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट करूं, यहां कहीं पे, यहां पे, तो फिर से ये थर्ड कार्बन पे ही आ जाएगा, ठीक। तो 6 कार्बन के हमारे पास 2 आइसोमर बन गए। चलिए अब 5 कार्बन की चेन देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन हमने देखी। 5 कार्बन पे क्या किया जाए? 2 कार्बन आपके पास है तो 2 कार्बन को लगाने के तरीके क्या क्या हैं? देखिएगा, एक तो हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, अच्छा जी, और फिर हमने 5 कार्बन की चेन ली और हमने कार्बन को ऐसे लगा दिया, दोनों कार्बन को, अभी है, ठीक है। लेकिन 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 एक और मेथड भी तो है, हम 2 कार्बन को साथ ही साथ क्यों लगाए, अलग अलग भी तो लगा सकते हैं। अभी तो हमने एक ही कार्बन पे दोनों कार्बन लगाए, यस, 7 कार्बन टोटल हमारे पास थे, हमने 5 कार्बन की चेन बनाई, बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को अभी तो हम कैसे लगा रहे हैं? सेम कार्बन पे अटैच कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ओके। अब हम इसे अलग अलग अटैच करके देखते हैं, जरा देखें। आपने कहा C, 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 पहले हम एक कार्बन यहां और दूसरा कार्बन यहां लगाते हैं, ठीक है। हाँ, चेक करते रहिए ये सब बने कि नहीं बने। फिर क्या करें, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब 5 कार्बन वाली चेन चल रही है, एक कार्बन यहां पे और एक कार्बन यहां पे, चेक कर लो, ठीक है, कोई डाउट? चलिए, तो अब अगर हम नंबरिंग करें तो भाई ये फर्स्ट था हमारे पास, ये सेकंड था, ये थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवेंथ। अच्छा, और कोई बना था क्या? देखिए, एक जनरली मिस हो जाता है, हाँ यही वाला मिस होता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं मेरे पास इस तरह से 5 कार्बन की चेन, ठीक है, ओके, 5 कार्बन की चेन में मैं सेकंड वाले कार्बन पे 2 कार्बन लगा दूं, ऐसे, चेक करो जरा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, यस। तो अब अगर आप देखेंगे तो 5 कार्बन की, ये वाली 5 की है, ये वाली भी 5 की है, ये भी 5 की है, ये भी 5 कार्बन की है, ये भी 5 कार्बन की, 2 कार्बन लगाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड ये हैं, ओके। और एक और देख लें, अब हम 9th वाली जो है उसमें कार्बन चेंज करेंगे, इसके अलावा और बनेंगे नहीं बेटा, बनेंगे नहीं, मुझसे तो नहीं बने, आप बनाना चाहे बना लीजिए, मुझसे तो बन नहीं पाया और कोई, ये सी और ये एक पॉसिबिलिटी आएगी। बाकी हाँ, आप इधर उधर चेंज करके देखेंगे, आपको लगेगा ये डिफरेंट है, बट वो किसी ना किसी से मैच कर रहे होंगे। तो आज के बाद याद रखिएगा बेटा कि C7H16 के अगर आप टोटल आइसोमर्स बनाने जाएंगे तो आपके कितने बनेंगे? 9।
ठीक है, स्ट्रक्चरल की बात हमारी हो रही, 9 आइसोमर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब याद करने वाली चीज क्या थी, हमने आपसे कहा था, कहां से चेक किया था हमने, हाँ C4H10 से शुरुआत की थी, C4H10, उसके बाद C5H12 एल्केन्स, ये मैंने आपसे कहा था याद रख लीजिएगा, फिर था C6H14 और फिर था C7H16, तो CN इतने इतने, एट से ज्यादा भी नहीं आएंगे फिर इससे ज्यादा, ओके। तो अब अगर आप देखें तो C4H10 के हमारे कितने बने थे 2, C5H12 के कितने बने थे 3, चेक कर लेना, हाँ एक एन पेंटेन आया होगा, एक आइसोपेंटेन आया होगा और एक नियोपेंटेन आया होगा, ओके। C6H14 के 5 और C7H16 के 9, ये रट लेना बेटा, वहां पे नहीं तो बनाने जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। एक भी मिस हो गया तो नंबर तो गायब हो जाने ना, इसकी जगह आप 8 लिख देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ नंबर मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव होगा तो मिल भी जाएंगे, बाकी सब में नहीं मिलेंगे, आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं। तो ये आपको याद होने चाहिए, इतने कम से कम याद रखना, आप कहां पे यूज आएगा वो भी आगे और बताएंगे आपको, नोट कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह के मिल सकते हैं, आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, मैं इनके नाम दे देता हूं ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो दोनों ही कार्बन में हाँ दोनों ही कंपाउंड में अगर कार्बन को देखें आप, तो यहां से आपने शुरू किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर, हाँ, लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप एट लोवेस्ट पॉसिबल पोजिशन। चलिए तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा आइसोमर है, कौन से आइसोमर है ये दोनों, या कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। देखिएगा दोनों में अगर आप देखेंगे तो सीओ ग्रुप दोनों में लगा हुआ है, सीओ ग्रुप दोनों में लगा हुआ है, ठीक है, केवल इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप में से कुछ ने कहा सर ये पोजीशन आइसोमर है, इसमें कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। लेकिन एक चीज, कई बार मोर देन वन टाइप ऑप्शन जो आ जाते हैं ना, हाँ मोर देन वन करेक्ट, या हो सकता है पोजीशन आइसोमर लिखा ही ना हो वहां पे। अब जरा देखिएगा, हमने आपको बताया था जब भी हमारे पास ऐसा ग्रुप हो जो बायवेलेंट इस तरह से, ठीक है, इसके दोनों साइड, यहां पे अगर आप देखेंगे तो C3 लगा हुआ है, H7 हो जाएगा और यहां पे CH3 हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल। और दूसरे वाले में अगर आप देखें, सेकंड वाले में, तो C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड आपके एल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज हो रहे हैं, C2H5 है, यहां पे भी C2H5 है, ये बात समझ में आई कुछ। तो जब आप इस तरह के ग्रुप देखेंगे तो आप साथ में कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये मेटामर्स भी तो हैं। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है आपको पोजिशनल आइसोमर्स मिले ही ना, आपको लग रहा है कि ये पोजिशनल आइसोमर, पोजिशन आइसोमर आप कह रहे होगे, लेकिन ऑप्शन में कहीं होगा ही नहीं, क्यों, ऑप्शन में क्या दिया होगा आपको, मेटामर्स दिया होगा, या हो सकता है आपको मेटामर्स समझ में आ रहा हो और आपको पोजिशन आइसोमर दिया हो, मेटामर कहीं लिखा ही ना हो ऑप्शन में, और मोर देन वन है तो दोनों दिए होंगे, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक और आपको दिखाएं, मेटामर्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ ऐसे मैंने लिखा और यहाँ CH3 लिख दिया, ठीक है, चलिए इधर भी एक ग्रुप बनाते हैं CH2, ओके, चलो एक रिंग लगा दी, ये लो जी, फाइन। अच्छा अब देखिए दूसरे में मैंने क्या किया, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, अब मैंने रिंग यहां पे लगा दी, रिंग की पोजीशन को चेंज किया और इधर मैंने लगा दिया CH2 और CH3, किया क्या, समझ में आ रहा है आपको। अगर आप देखेंगे तो दोनों में
ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कैसा है? बायवेलेंट। इसके दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो आपको यहां CH3 दिख रहा है, और एक तो ये चेंज हुआ देख रहे हैं आप, और दूसरा आपका जो ये रिंग लगा था ये लेफ्ट साइड से कहां चला गया है? राइट साइड। तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, इसकी वजह से जो दोनों ग्रुप आपके इस सी डबल बॉन्ड ओ ओ के साथ में लगे हुए थे R1 R2, ये दोनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप चेंज हो गए। और अगर ये डिफरेंट हो गए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, देखिए नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सब सेम है, तो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपके क्या हो गए? ये हमारे हो गए मेटामर्स, ये मेटामर्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो R1 और R2 जो आपके COO के साथ लगे हुए थे, अगर इनमें चेंज आ गया R1 R2, तो ये क्या हो जाएंगे? ये मेटामर्स हो जाएंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे H मत लगाइएगा, H से कहानी हो जाती है, तो यहाँ R1 R2 H नहीं हो सकते, वो आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आती जाएगी, अभी इतना नोट कर लीजिए। बेटा हेडिंग डालिए फंक्शन आइसोमर। फंक्शन आइसोमर को अगर हम एक्सप्लेन करें आपको, तो हम कहेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अगर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, आपके पास सेम एटम्स एंड सेम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होना चाहिए, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको सेम एटम्स एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग से पूरा डेफिनेशन लिखनी हो तो कंपाउंड हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलते हैं, यहां यही पॉइंट्स आपको सारी प्रैक्टिस करा देंगे। तो जैसे अगर आप बात करें बेटा अल्कोहल और इथर, ठीक, तो अल्कोहल लिख लीजिएगा, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। हाँ, आप फंक्शन आइसोमर एक ही बात है बेटा, फंक्शन आइसोमर लिख लो, फंक्शन आइसोमर कर लो, फंक्शनल ग्रुप की वजह से आएगा तो नाम है ना ये, ओके। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे मोर देन वन कार्बन होना चाहिए, मोर देन वन कार्बन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं CH3CH2OH, CH3CH2OH ये मेरा क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। इसी को मैं थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं CH3OCH3, ये मेरा क्या हो गया? ईथर हो गया। बात समझ में आई? तो ये आप लिख लीजिएगा अल्कोहल है और ये हमारा ईथर है, और दोनों का ही अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हमारे पास है C2H6O। अब मैंने आपसे कहा था जब भी हम अल्कोहल लिखते हैं तो हम मेंशन कर देते हैं कि इसमें OH ग्रुप है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? C2H5OH। इसको हम कैसे लिखते हैं? C2H5OH, ये हम अल्कोहल लिख देते हैं बेटा, इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास OH ग्रुप है, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो C2H6O। चलिए, ऐसे ही एक और देखिएगा, सेकंड पॉइंट नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट में बेटा जो आपके एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन, हाँ एल्डिहाइड लिख लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन, और लिखिए साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल। अभी एग्जांपल देंगे क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। साइक्लिक ईथर,
साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक क्यों आ गया? हाँ, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड आया ना, कीटोन में डबल बॉन्ड आया, साइक्लिक में वो डबल बॉन्ड हटेगा, बट एल्कोहल में तो नहीं होगा ना, लेकिन वो रिंग के साथ आ जाएगा बिल्कुल से। और ये आपका आ गया अनसेचुरेटेड एल्कोहल भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड एल्कोहल, ठीक है, और अनसेचुरेटेड ईथर भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड ईथर और फंक्शनल आइसोमर या फंक्शन आइसोमर्स, ठीक है जी। देखिए एक एग्जांपल आपको दें, एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CH2CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है सबको पता है। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखो जरा क्या जाए, C3, इसका फॉर्मूला लिखो बस, 3 2 6 H6 O, क्या ये है, चेक करो, C2H5CHO है ना, C2H5CHO है, ओके, तो C3H6O। अब देखिए मैं इसको क्या क्या और बना सकता हूं, इसको मैं अगर लिखूं आपसे CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, ये मेरा अनसेचुरेटेड ईथर है बेटा, अनसेचुरेटेड ईथर। मैंने किया क्या, वो जो डबल बॉन्ड CO के बीच में था उसे मैंने C और C के बीच में दे दिया, और O को मैंने बीच में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नहीं, आप और भी बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप और भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे बनाएंगे, ओके, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, ऐसे वाले जो आपको मुश्किल थोड़े से हो सकते हैं अभी। अब देखिएगा आपके पास कितने, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, इसको हम ऐसे बनाए, हाँ जी बहुत ध्यान से इसको समझिए, क्या हो गया, यहाँ पे सी सी और सी, 3 एंड पे सी है, और आपको पता है यहाँ H2 लगा होगा, तो CH2 कितना हो गया, C3H6 और 1 ऑक्सीजन आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका 4 मेंबर रिंग बन गई, और क्योंकि 1 ऑक्सीजन है इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, हेट्रो, ओके। तो ये मेरा क्या बना बेटा, साइक्लिक ईथर। अच्छा एक और देखिए, एक बिल्कुल ऐसे हम बना सकते हैं, हाँ जी, ये मेरा हो गया साइक्लिक एल्कोहल बना दिया मैंने, है ना, 3 कार्बन थे, कार्बन से मैंने रिंग बनाई जो मेरा, यहां पे सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अब बनाया है, ये आपको मैंने प्रैक्टिस करा दिया, तो इसीलिए जरूरत था कि ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, यहाँ पे C3H6O जैसे ही आपसे एल्डिहाइड कहा गया, आप निकाल के भी देख लीजिए, 1 आएगा, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर 1 है तो ये आ गया 1, ये 1, रिंग दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इनको, चलिए और आगे बढ़े, तो ये 2 पॉइंट बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको शॉर्ट करके दिखाऊ, पूरे पेज में आ जाए, एक मिनट बस ये लो, हाँ इसे नोट कर लो, हाँ, कीटोन अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी आपका C3H6O। अब बेटा अगर आप देखेंगे इस पे, तो फर्स्ट वाले, अच्छा एल्डिहाइड में यहाँ पे आपको बना के दिखा दूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास ये ग्रुप बना और साथ में आपके एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके पास जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, DOU कहिए या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहिए, वो सेम आ रहा है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये साइक्लिक ईथर हो गया, ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एल्कोहल है, साइक्लिक एल्कोहल है, ग्रुप फिर चेंज हो चुका है, और इस केस में आप देखेंगे तो आपके पास CO ग्रुप है,
तो ग्रुप अगर चेंज हो रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं और आपका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रह रहा है, तो आप उन्हें कहेंगे फंक्शन आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं एल्काइल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। हाँ, ये आईयूपीएसी में मैंने आपको बताया था, आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है जी, देखिएगा बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आर सी एन ऐसे लिखें या हम इसे लिखें आर एन सी, ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, इसमें अगर आर की वैल्यू एच है, इसको नोट कर लो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एच सी एन एंड एच एन सी, ये आपके होते हैं टॉटोमर्स। आगे पढ़ेंगे टॉटोमर्स, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ये कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसमें ये आगे पढ़ाएंगे, बस अभी नोट कर लो, अभी नोट कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर नहीं तो बाद में जो है मुश्किल हो जाती है। तो जब पढ़ोगे बार बार रिवाइज करोगे तो यहीं से जो है ये चीज बन जानी चाहिए, डेवलप हो जानी चाहिए, टॉटोमर्स पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल भी आपको दिखा देंगे, सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ठीक है, एसिड हो गया, इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, कई बार ना इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बोले सर एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है तो ये तो मेटामर्स होने चाहिए, ये मेटामर नहीं है। क्यों नहीं है, देखना समझना इस चीज को, ये आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ये COOH ग्रुप है, बात समझ में आई, ये COOH ग्रुप है, जबकि यहां पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो COO हो गया। क्लियर, तो ये मेटामर्स नहीं है, नॉट मेटामर्स, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। मेटामर्स में क्या कंडीशन थी, बिल्कुल आप एल्काइल ग्रुप इधर उधर चेंज करेंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली मिलते हैं फंसाने वाले, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट बेटा एमीन्स के बारे में है, तो हमने पढ़े थे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। ठीक है, तो इस पे लिख लीजिएगा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन आर फंक्शन आइसोमर्स। जरा देखते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं आर एन एच टू, ठीक है, दूसरा मैं आपसे कहूं आर डैश एन एच, ओके एन के साथ ऐसे लगा दो, आर वन आर टू कर लो, आर वन आर टू कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर मैं आपसे कहूं आर वन एन आर टू आर थ्री। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर ऐसे आपने दिखाया ये, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक बार NH2 है, एक बार NH है और एक बार N, तो ये चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल ये फंक्शन आइसोमर्स होंगे। अच्छा, यहीं पे जैसे आप प्राइमरी सेकेंडरी या वन डिग्री टू डिग्री आप लिखते हैं, तो एक चीज आती है भाई एल्कोहल में भी तो ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना था एल्कोहल में वो आपके फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते। ठीक है,
क्यों? बिकॉज जब आप अल्कोहल की बात करते हैं, चाहे आप 1 डिग्री अल्कोहल कहें, चाहे आप 2 डिग्री कहें, चाहे 3 डिग्री कहें, प्राइमरी कहें, सेकेंडरी कहें, टर्शरी अल्कोहल कहें, ये सब के सब में ग्रुप आपका OH ही रहता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। तो स्टार के साथ लिखिएगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स आर नॉट फंक्शन आइसोमर्स। बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि एमीन्स को देख के दिमाग में आ जाता है कई बार कि भाई ऐसा तो कुछ ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट दिखिएगा एमाइड्स। एमाइड्स में भी ये हो सकता है। ठीक, तो 1 डिग्री एमाइड, एमाइड जानते ना, सीओ वाला ग्रुप जो होता है, एन सीओ एन एच टू, यस। 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड आर फंक्शन आइसोमर्स। नोट करते चलिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, RC डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये आपका 1 डिग्री एमाइड हो गया। ठीक है, फिर हमने लिखा R1C डबल बॉन्ड ओ एन एच, यहां पे हमने R डैश या R2 लगा दिया, ये हमारा 2 डिग्री एमाइड हो गया। और फिर हमने C डबल बॉन्ड ओ एन यहां पे लगाया, यहाँ R2 R3 लगा दिया, और यहां पे हमने R1 लगा दिया, ये हमारा 3 डिग्री एमाइड हो गया। क्लियर है? यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, ये R2 R3 ये जो है आपके H नहीं हो सकते। हाँ, अगर H होंगे तो वो NH2 ही बन जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये आपके फंक्शन आइसोमर्स, आपको थोड़ा बहुत फील आ गया होगा कि किन्हें हम फंक्शन आइसोमर्स कहेंगे। हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होना चाहिए, बट एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो सेम है ही, ये तो बेसिक कंडीशन है। ठीक, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो अपने मन से एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा डाल दिया, ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा उसके इस पे, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बेटा हमारे पास 4 हो चुके थे, फिफ्थ हेडिंग डाल लीजिएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब एक चीज तो क्लियर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर साइक्लिक हो गया और दूसरा असाइक्लिक हो गया, ये है बस। ठीक है, ये कई बार मेंशन नहीं भी किया जाता है, इसको मेजर उसमें नहीं लेते, बट क्योंकि हम साइकिल और साइकिल है तो भाई आइसोमर तो बनेंगे ही ना। ठीक, तो लिख लीजिएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वन स्ट्रक्चर साइक्लिक एंड अनदर एसाइक्लिक। जनरली इसमें अगर मैं आपको बता दूं कि भाई साइक्लिक जो है वो हमारी एल्कीन होगी और एसाइक्लिक जो है, उल्टा हो गया क्या, एक मिनट, चलिए एग्जाम्पल से ही बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। हाँ, लिखने में गड़बड़ हो जाएगी आपकी, एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सी सी डबल बॉन्ड सी, ओके, नाम बताएंगे प्रोपीन। ये बात हम पहले कर चुके हैं वैसे, प्रोपीन जब हम आइसोमर्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इसको। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए भाई, यहाँ पे आपके पास H3 होगा, यहाँ पे आपके पास H होगा और यहाँ पे H2 होगा, तो ये आपका हो गया C3H6 आया। ठीक है, चलो, तो जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कराए थे उस समय ने आपको कराया था। अब इसी को मैं क्या बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। ठीक है,
यहाँ पे मेरे पास सी एच टू है, ये भी मेरे पास सी एच टू है, ये भी मेरे पास सी एच टू है, तो ये फॉर्मूला भी मेरा सेम एग्जैक्टली सेम आ गया, तो दोनों के फॉर्मूले सेम हो गए। एक मेरे पास साइक्लिक है, एक मेरे पास एसाइक्लिक है, ये मेरा एल्कीन हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास एल्केन हो गया। बात समझ में आई? ठीक, तो साइक्लिक वाला जो है, हाँ बिल्कुल, आप अब ये आपको ध्यान रखना है, ओके ओके, नोट कीजिए, नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए। अच्छा, कई लोग ना इसे फंक्शनल आइसोमर्सी कह देते हैं, क्योंकि चेंज हो जाता है ना, डबल बॉन्ड वगैरह आ जाता है। यस, तो आप यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर्स, बट प्रायोरिटी ऑफ रिंग चेन is greater than functional, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए मैं आपको एल्डिहाइड दिखाऊं, CH3CHO, ये मैंने लिखा है, ये एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पे मैंने रिंग बना रहा हूं CH2 और इसके साथ मैंने ये O लगा दिया, ये एपॉक्साइड है, पढ़े थे ना एपॉक्साइड, ओके। अब दोनों का फॉर्मूला क्या आ गया, C2H4O, तो ये आपका एल्डिहाइड भी हो गया, ये एपॉक्साइड भी हो गया, ठीक है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, फंक्शनल कहेंगे बिल्कुल, लेकिन प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, रिंग चेन, तो इसे रिंग चेन आइसोमर कहा जाएगा। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। जैसे हमने ध्यान रखा था कि C4H10, ये जब हमने कहा था तो हमने आपसे कहा था कि इसमें ध्यान रखना है हमें कि इसके हमारे टू आइसोमर्स बनेंगे, और हम स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे C5H12 की अगर हम बात करेंगे तो 3 आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे, और फिर हमने C6H14 की बात कही थी, यहाँ पे कितने बने थे, 5, बिल्कुल सही, तो आपने 5 आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे। और आप चाहें तो एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, C7 वाले में कितने बने थे, 9 बने थे, C7H16 में 9 बने। तो ये तो हमें रटना ही है, हमारे दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से ये बन के आएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, वो है एल्काइल ग्रुप। हाँ जी, एल्काइल ग्रुप जानते हैं, एल्केन में से एक एच निकाल देते हैं तो एल्काइल बन जाता है, ठीक है। तो एल्काइल जो आपका होता है वो होता है CnH2n+1, ओके। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्केन में से एक माइनस एच अगर हम कर दें तो ये एल्काइल हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम कहां से एच रिमूव कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा पूरे आइसोमेरिज्म का खेल ही यही, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जब आप बात करते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, पहला मैंने ले लिया CH2, ठीक है, इसमें से मैंने एक एच हटाया। अब मैं कोई भी एच हटा लूं, सारे के सारे तो सिमिलर हैं, तो बिल्कुल मैं इसे कहूंगा यहाँ पे CH3, और साथ में मैं एक बॉन्ड यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये मेरा हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। इसमें केवल एक पॉसिबिलिटी, मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो मैं अगर कोई ग्रुप अटैच करूंगा तो यहीं पे ग्रुप अटैच कर सकता हूं, ये ध्यान रखिए। अगर मैं मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल एल्कोहल बना रहा हूं तो Cl या OH मेरा यहीं पे आएगा, और कहीं आ ही नहीं सकता, कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं CH3CH3 माइनस H,
ठीक है, इसमें से माइनस एच करेंगे तो क्या होगा, सी एच थ्री सी एच टू ऐसे बना सकता हूं। ओके, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर पहले वाले से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एच सिमिलर ही तो होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बना के दिखा देता हूँ, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखो सी एच टू सी एच थ्री, इसमें अगर मैंने बेटा यहां पे बना भी दिया तो ये दोनों तो सिमिलर ही बन गए, बात समझ में आई। तो भाई दोनों क्यों बनाने को, एक ही बनाते हैं ना। ओके, तो यहां पे मैंने इसे कहा इथाइल ग्रुप, और इतना क्लियर हो गया कि मिथाइल और इथाइल ग्रुप में वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी। ये जो ग्रुप अटैच करने की या एच हटाने की पॉसिबिलिटी है वो केवल एक है, फाइन। चले अब जरा और आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा भाई, सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, प्रोपेन, प्रोपेन में से एक एच हटाया तो अब क्या हो, अब आपके पास दो टाइप के एच हो सकते हैं, एक यहां से आप रिमूव कर सकते हैं, दूसरा आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, दो अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो देखिएगा कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, और एच मैंने यहां से रिमूव किया तो मैं अपनी ग्रुप को इधर अटैच करूंगा, और दूसरी मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, यहां से मैं फिर से एच रिमूव कर रहा हूं, तो सी एच थ्री एच मैंने यहां से रिमूव किया, यहां पे सी एच थ्री रहने दिया, और अब मैं अपने ग्रुप को यहां पे अटैच कर सकता हूं, बात समझ में आई। ओके, इनके नाम आपको याद होंगे, मैं पहले आपको लिखा चुका हूं, इसे हमने कहा था एन प्रोपाइल और इसे हमने कहा था आइसो प्रोपाइल, कुछ बात समझ में आई। तो अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि हमारे पास जो एल्केन थे वो तो प्रोपेन तक वन वन ही हमें दे रहे, लेकिन जैसे ही हम एल्काइल ग्रुप पे आए, अब हमारे पास एल्काइल ग्रुप में प्रोपाइल ग्रुप जो है हमारा, उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो चुकी है, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप कहेंगे सी थ्री एच सेवन ये, तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि मेरे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये आपको, आपसे कहा जाएगा सी थ्री एच सेवन सी एल, ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे इसके, तो आप कहोगे सर एक तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल, और दूसरा है सी एच थ्री सी एच यहाँ पे सी एल और सी एच थ्री, ठीक है, एन प्रोपाइल क्लोराइड और आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आप आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये आपके क्या हो गए, पोजीशन चेंज हो चुकी है, हैं तो प्रोपेन, क्लियर, बात समझ में आई, बिल्कुल 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 नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखिएगा एक और कार्बन बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं सी फोर एच टेन पे, अब जरा बढ़िया चीजें शुरू होंगी, ठीक है। सी फोर एच टेन में से अगर मैं एक एच हटाऊंगा तो मुझे सी फोर एच नाइन मिलेगा, ब्यूटेन में से एक एच हटाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, तो आप चाहो तो इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें होता क्या है बेटा कि आपको ये लगता है कि फोर कार्बन के हैं, बिल्कुल एग्जामिनर की भी ये होती है कि अगर कुछ नहीं है तो आप बना के भी देख लो, लेकिन बनाने में टाइम जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, याद आया दो टाइप के हम C4H10 लिख सकते थे, और दूसरा क्या था, अब ये इसलिए यहां जरूरी था, वो मैंने आपसे क्यों कहा था, एक तो ये था, दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या थी जरा देख लें, CH3 CH CH3 CH3, क्या ये था, चेक कर लो भाई,
ओके, अब पहले सबसे पहले जो भी आपको ब्यूटेन जिससे आप एल्केन जिससे आप एल्काइल ग्रुप बनाओगे वो लिख लो। तो पहले बार थ्री कार्बन तक तो हमें पता है कोई और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो हमने सिंगल सिंगल लिखा था, आगे उसको ब्रेक किया था एल्काइल ग्रुप बनाने में। अब यहाँ पे हमारे पास पहले से दो पॉसिबिलिटी है, अब हम एच को हटाएंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट वाले केस में अगर मैं एक एच हटाता हूं तो मैं दो जगह से एच हटा सकता हूं। कहां कहां से? देखिएगा बेटा, ये दोनों पिंक कलर से जो बनाए ये सिमिलर है, और फिर मैं ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो मैं अलग अलग ना निकाल के मैं सीधे ऐसे लिखूंगा CH3 CH2 CH2 CH2। कॉर्नर वाले में से जो पिंक वाला है वहां से मैंने एक रिमूव किया H को, और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में CH3 CH CH2 CH3 ये मैंने रिमूव किया ग्रीन वाले से। कोई भी एक से कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, हाँ, अब अगर आप इसके नाम की बात करें तो ये हमारा था एन ब्यूटाइल और ये हमारा था सेक ब्यूटाइल। चेक कर लो जरा, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से दो ऑप्शन बन सकते हैं और कोई नहीं बनेगा, और कोई नहीं बनेगा, आप चेक कर लीजिए। अब देखिएगा सेकंड वाले केस में ये सारे के सारे हाइड्रोजन सिमिलर हैं क्योंकि सेम कार्बन पे लगे हुए ना। ओके, और एक और एच में हटा सकता हूं यहां से, ये डिफरेंट। ठीक है, तो फिर से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई। एक पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH3 CH3। कुछ बात समझ में आई? पिंक वाला कार्बन मैंने रिमूव कर दिया, और जब मैं ग्रीन वाले को रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3, यहाँ पे CH2, और ये मेरे पास आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इनके नाम देखें जरा। ये आपका है आइसोब्यूटाइल। सेकंड कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ, ये 1 2 सेकंड कार्बन पे एक कार्बन। ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखें तो C4H10 के तो दो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जब आपने एल्काइल ग्रुप बनाया तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, फोर जो है वो स्ट्रक्चर की है बेटा। एक आगे जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे नोट जरूर कर लेना स्टार के साथ। ठीक है, 5 टोटल आइसोमर्स, 4 स्ट्रक्चर हैं, 5 टोटल आइसोमर्स, और एक नाम यहीं पे आपको दिला दूं, इसको कहते हैं काइरल कार्बन। ठीक है, हाँ, ये क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूं, मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बन है, इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एटम या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अगर लगे हुए हैं, और ये सारे ग्रुप और एटम अलग अलग हो जाएं, सब डिफरेंट है, ए बी सी डी सारे डिफरेंट हो जाएं, तो इसको आप कहते हैं काइरल कार्बन। ठीक है, हाँ, अब जरा आप यहाँ पे देखिएगा, कोई कार्बन आपको ऐसा दिख रहा है जहां पे अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, जहां पे आपका रेड वाला मार्किंग है ना, जहां पे आप ग्रुप लगाएंगे, ये देखिए, ये वाले कार्बन पे दो एच लगे हुए हैं, तो सी और डी दोनों एच हो गए, यानी ये काइरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले पे देखिएगा,
सेकंड वाले पे जहाँ पे रेड कार्बन लगा हुआ है, जहाँ पे हम ये अल्काइल ग्रुप एच को हमने रिमूव किया था, यहीं पे हमें ग्रुप लगाना है। तो अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, मान लीजिए मैंने सी एल लगा दिया, तो ध्यान से समझना, मान लीजिए मैंने सी एल लगा दिया, तो अब इधर सी एच थ्री हो गया, इधर सी टू एच फाइव हो गया, ये सी एल हो गया और एक एच हो गया, चारों के चारों ग्रुप या एटम सेपरेट हो गए, डिफरेंट हो गए, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर ये डिफरेंट हो गए तो इसे कहेंगे काइरल कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये सारी चीजें आगे आएंगी, बट यहाँ पे बस क्योंकि बात हो रही है, नहीं तो फिर क्या होता, आप यहाँ फोर रटते हैं, बाद में मैं कहूंगा फाइव हो जाएंगे, आप कहेंगे सर कंफ्यूज हो गए। तो यहीं पे मैंने आपको बता दिया, अगर काइरल सेंटर है तो फिर आपके फाइव हो जाएंगे, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो ये रटना है आपको कि C4H9 की जब आप बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल फोर और टोटल फाइव, एक आएगा काइरल कार्बन या काइरल सेंटर भी आप कह सकते हैं, काइरल सेंटर या काइरल कार्बन, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसको पढ़ेंगे, तो अभी चिंता मत कीजिए, आगे इसको पढ़ना है डिटेल में, बहुत टाइम लगेगा इसको, बिल्कुल पूरा काइरल आपको समझाना है, काइरलिटी है क्या, तो ये एक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कितने डी हो गए, इतना ई पे पहुंचे हम, अब जरा और आगे चलते हैं, C5H12, इसमें से हमने एक एच रिमूव किया, क्या मिलेगा, C5H11 पेंटाइल। अब फिर से वही काम करना, क्या करना है, C5H12 के बने कितने थे, C5H12 तीन टाइप से बनाए थे हमने, ओके, तो एक तो हमने लगा दिया था सी सी सी, पांचों के पांचों कार्बन एक लाइन में, फिर हमने कहा था कि फोर कार्बन की चेन और एक कार्बन किसी एक पे, सेकंड वाले कार्बन पे लगा दिया था, और फिर हमने कहा था कि थ्री कार्बन की चेन, ओके, नाम याद है, आइसो और नियो थे, एन पेंटेन, ओके ओके ओके, ठीक है, नेमिंग आपको याद है, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा देखिए, अब अगर आप बात करेंगे, मैं लिख देता हूँ, चलिए ये एक मिनट, हाँ, अब जरा ये देखो कि भाई कितनी जगह से आप H रिमूव कर सकते हो, अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या होंगी, कितने टाइप के कार्बन है, ये डिफरेंट कार्बन, ये मैं सिखा चुका हूं आपको, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में वन, ये दोनों सेम है, ओके, सेकेंड कार्बन भी सेम है, ओके, और थर्ड वाला, ये सेंटर वाला डिफरेंट है, क्लियर हो गया। तो ग्रीन वाले, पिंक और येलो, तो आपके पास टोटल थ्री पोजीशंस हैं जहां से आप H को रिमूव कर सकते, बात समझ में आई, चलिए मैं दिखा दूं आपको, एक बार दिखा देता हूं इसके, ओके, सी 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 सी, एक बार हमने H यहां से रिमूव किया, ठीक है, फिर दिखा दूं सी 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 सी, पांच कार्बन, एक बार हमने H यहां से रिमूव किया, और फिर एक और दिखा दें आपको सी 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 सी, एक बार हमने इधर रिमूव किया, ये बात समझ में आई, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे कितने आइसोमर बन जाएंगे, अलग अलग पोजीशन पे लगेंगे चीजें, ग्रुप से आएंगे, ठीक है, तो थ्री हो गए, ये समझ में आया। इसमें बेटा अगर आपने बिल्कुल एज वाले कार्बन से इसको रिमूव किया तो इसको आप कहेंगे एन पेंटाइल, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे एन पेंटाइल नहीं कहेंगे, एन पेंटेन से सब जरूर बने, लेकिन एन पेंटाइल तभी कहेंगे जब लास्ट किसी भी एंड से हो सकता है, किसी भी एंड से जो लास्ट कार्बन है ना, किसी भी एंड पे जो कार्बन है उससे आपने एच को रिमूव किया, तभी आप इसे एन पेंटाइल कहेंगे, ध्यान रखें। अच्छा, अब सेकंड वाले पे कितनी पॉसिबिलिटी है, फिर से चेक करते हैं जरा, ये कार्बन इकलौता है अपनी तरह का है, अच्छा जी, सिमिलर कौन से दिख रहे हैं आपको, ये दोनों सिमिलर हैं, ग्रीन वाले, ठीक है, ओके, फिर ये एक पिंक डिफरेंट है और एक और है, ये तो बिल्कुल ही अलग है,
ठीक है, तो यहां पे आपके पास फोर टाइप के, बिल्कुल फोर टाइप के एच रिमूव हो सकते हैं या फोर पोजीशन से एच रिमूव हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो पहले वाले के थ्री बनेंगे, दूसरे वाले के फोर आइसोमर्स बनेंगे पेंटाइल ग्रुप। कैसे बनेंगे वो अभी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है, ओके। और लास्ट वाले में क्या होगा, देखिए लास्ट वाले में यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबके सब कार्बन जो है वो, हाँ मतलब फोर तो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एक अलग है, एक अलग है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक अलग है, लेकिन यार इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है, तो रिमूव क्या करोगे? जब कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है तो इसको कहां से रिमूव कर लोगे? तो रिमूव तो यहीं से कर पाओगे ना, तो इसमें कितने बनेंगे? ओनली वन। बात समझ में आई? चेक कर लो। तो C5H11 की जब आप बात करेंगे तो टोटल आपके पास 8 स्ट्रक्चर आएंगे, याद रखना 8 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3, 4 और 1, लेकिन इसमें टोटल जो बनते हैं, टोटल आइसोमर्स जो बनते हैं वो होते हैं 11, ये रखना है, टोटल आइसोमर्स 11, बाकी काइरल सेंटर की वजह से आएंगे, ठीक है। हाँ, 3 एडिशनल जो आ रहे हैं वो कैरलिटी की वजह से आ रहे हैं, वो बाद में समझ में आएगा क्यों। अच्छा, अब एक और चीज मान लीजिए ये वाला आपके पास, ठीक है, तो इसमें देखिएगा सी 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 सी, अगर मैं अपने एच को यहां से रिमूव कर रहा हूं तभी मैं इसे क्या कहूंगा, आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, ध्यान रखना इस, ठीक है, कॉर्नर वाले से, और कॉर्नर वाले में भी ध्यान रखना कि जहां पे आपकी ये कार्बन लगा हुआ है ना, इसके अपोजिट साइड वाला कार्बन, इधर वाला नहीं, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसको हम कहेंगे आइसो पेंटाइल। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल नोट कीजिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अपोजिट साइड के, जहां पे भी आपकी जो साइड ब्रांच लगी हुई है उसके अपोजिट साइड वाला कार्बन, जो ज्यादा दूरी पे है उस वाले कार्बन को लेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ कितने बन रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि C4H9 के कितने, 4, और स्टीरियो के साथ मिला के 5 आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल 4, हाँ बिल्कुल इसी तरह से C5H11 पेंटाइल की अगर हम बात करेंगे तो 8 स्ट्रक्चरल और 11 स्टीरियो मिला के, ठीक है, टोटल 11। एक और लिखना चाहे तो लिख लीजिए इसको, वैसे एक कम पूछा जाता है बट लिख लो, फिर भी कहीं आ गया, हाँ कौन सा है, C6H14 की अगर मैं बात करूं तो ये C6H13 मुझे देगा हेक्साइड, ठीक है। इसमें बेटा C6H14 के हमने कितने कहे थे, 5 स्ट्रक्चर कहे थे, 5 स्ट्रक्चर हमारे पास आए थे, क्लियर है। अब 5 स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, सी 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 सी, ये 5 हो गए, थोड़ी 6 कार्बन की चेन है, ओके एक ही हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, एक कार्बन यहाँ पे था, फिर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ऐसे ही बनाया था, ओके 3 ये हो गए, 4 था सी 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 सी, 4 कार्बन की चेंज यहाँ पे, 2 कार्बन आ गए थे और ये हमारे पास 4 कार्बन की चेन, और इस तरह से हमारे पास ये बने हुए थे, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, मैं आपको दिखा रहा हूं कि H हम कहां कहां से रिमूव कर सकते हैं, 1, 2, 3 पोजीशंस मैंने आपको दिखाई, हाँ 4, 5, 6 से करेंगे तो ये इन्हीं के एग्जैक्टली सेम बन जाएंगे। अच्छा अब देखिएगा, एक यहां से करेंगे, इसको नहीं लूंगा क्योंकि ये सिमिलर है, यहां से कर सकते हैं,
ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, टोटल फाइव स्ट्रक्चर पॉसिबल, टोटल फाइव स्ट्रक्चर पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में देखेंगे, ये और ये सेम है तो एक ही को लेंगे, ठीक है, ये और ये सेम है, ये और ये भी तो है, ठीक है, तो फोर हो गए। ओके नेक्स्ट वाले को देखिएगा, ये सेम, ओके, अच्छा ये और ये सेम, तो ये सब तो सेम हो गए, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी सेम है, ठीक है, तो केवल दो स्ट्रक्चर। फिर से दिखाऊं, देखो देखो देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन सेम है, करके देखो, और फिर अगर आप देखेंगे तो ये वाले दोनों कार्बन सेम है। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा जिसमें आपको ये मैंने कराया था, ठीक है, वहां पे बताया भी था कि कौन से कार्बन सेम होंगे कौन से नहीं होंगे, बिल्कुल। अब नेक्स्ट वाले पे अगर देखेंगे तो ये थ्री कार्बन तो हमें एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं भाई, ठीक है, तो इन पे एक हम यहां लगा देते हैं और बी और सी, गलती मत करना, इस जगह कोई हाइड्रोजन नहीं है, लिख लो नो हाइड्रोजन। अरे ये तो देखो कार्बन की पूरी वैलेंसी हो चुकी है यार, एच कहां है, ठीक है, तो यहां पे थ्री होंगे, फोर मत कर देना, यही गलती होती है। तो अब अगर आप टोटल देखेंगे कितने हो गए, सिक्स फोर टेन और सेवनटीन हो गए टोटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के 17 हो गए, ठीक है, हाँ कैरल सेंटर ढूंढ के फिर वो तो बाद में आएगी, तो इतना आप याद कर लेंगे तो बेटर। अब इस पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस ढंग से मिलेगा कि फाइंड टोटल आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl, ठीक है, हाँ मैं अल्कोहल भी कर सकता था, C4H9OH भी कर सकता था, लेकिन उसमें फिर हमें और भी देखने पड़ते कि वो इतर है या क्या है, तो अभी इसलिए मैंने Cl लिया हुआ है, ठीक। तो अब आपको पता है कि भाई Cl अटैच होना है, Cl अटैच किस पे होगा, C4H9 पे, C4H9 पे, ये ध्यान रखना पड़ा। C4H9 के हमने देखे थे हमारे पास टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे, हाँ ये इस तरह से जब हमने बनाए थे तो फोर तो हमारे पास स्ट्रक्चरल थे, है ना, और फाइव टोटल थे। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर उन्होंने स्ट्रक्चर पूछे तो फाइव फोर बनेंगे और टोटल पूछे तो फाइव बनेंगे, क्यों, बिकॉज उन फाइव पोजीशन पे आपको सीएल अटैच कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइव, अगर आपसे टोटल पूछा गया, देखिए टोटल आइसोमर्स पूछा गया, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे जाते तो कितने हो जाते, फोर आंसर हो जाता, इसलिए मैंने कहा था कि ये आपको रटे हुए होने चाहिए, है ना। अगर इसी तरह से मैं फाइव कार्बन का कर दूंगा तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल इन्हें नोट कीजिए।